जय माता दी। आप सभी जानेंगे नवरात्रि 2024 में पांच महत्वपूर्ण बातें, आपका भाग्य बदल जाएगा। नवरात्रों में अगर आप ये पांच चीजों पर ध्यान करते हैं तो आपका भाग्य बदल जाएगा। वो कौन सी है, पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए, क्या हमें खरीदना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और हमें नवरात्रों में क्या खाना चाहिए, ये सारी बातों में किस प्रकार हमें भोग में सुबह शाम करना चाहिए, बार बार खाना चाहिए या हमें कोई समय निर्धारित कर लेना चाहिए, किस तरह से हम ये नवरात्रि का व्रत करेंगे, जो व्रत हमारे महत्वपूर्ण हो, माता रानी को समर्पित हो। कहते हैं अगर आप व्रत रखते हैं, कलेश करते हैं, आपकी आंखों में आंसू है, किसी भी प्रकार के आपका शरीर को कष्ट होता है तो वो व्रत पूर्ण नहीं माने जाते, माँ उनको स्वीकार नहीं करती है। तो दोस्तों प्लीज चैनल पर बने रहिए, जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में माता रानी की पांच महत्वपूर्ण बातें, जिससे नवरात्रों में करने से आपका भाग्य बदल जाएगा, किस्मत चमक जाएगी और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी। तो माता रानी के चरणों में एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। अगर आप माता के भक्त हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आइए चलते हैं नवरात्रि शब्द से। नव नौ ग्रह अर्थात विशेष रात्रि का बोध होता है। इन रात्रियों में प्रकृति के बहुत सारे अवरोधक खत्म हो जाते हैं। अगर अपेक्षा यदि रात्रि में आवाज दी जाए तो बहुत दूर तक चली जाती है, इसलिए इन रात्रियों में सिद्ध और साधना की जाती है। बहुत से लोग बहुत ज्यादा जो ब्राह्मण होते हैं, जो काला जो तांत्रिक वगैरह होते हैं या महात्मा होते हैं, इन इसमें साधना बहुत की जाती है। इन रात्रियों में किए गए शुभ सिद्ध होते हैं। जो चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्रि में ऐसे कौन से रहस्य हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, जिन पर अमल किया जा सकता है, जो भाग्य पलटते हैं। तो जानेंगे वो पांच बातें कि ये कौन से हमारा जीवन बदल सकता है। अगर आपको पहली बात, आपको नियम से रहे वर्ष भर में चार नवरात्रि आते हैं, 36 रातें होती हैं। यह चार माह हैं, चैत, आषाढ़, अश्विन और पौष। चैत माह में चैत्र नवरात्रि, जिसे बड़ी नवरात्रि या बसंत नवरात्रि भी कहते हैं, जिसमें आषाढ़ और पौष माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। सभी लोग दो नवरात्रि के बाद में जानते हैं, शारदीय नवरात्रि और चैत नवरात्रि। लेकिन नवरात्रि चार बार आते हैं, दो गुप्त नवरात्रि होती हैं और दो चैत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। तो ये दो चार नवरात्रि हैं, इसमें आपको माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आपने वर्ष की इन 36 दिन और रात को साथ लिया है तो आपका भाग्य पलट जाएगा। इसके लिए आपको किन दिनों बड़े कड़े व्रत रखने चाहिए और इन 36 दिनों में मदमान, माक्ष, भक्षण और स्त्री संग संयम नहीं करना चाहिए। यानी सरल भाषा में मैं कहूँ तो आपको मांस मदिरा ड्रिंक या आपको बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। उपवास में रहकर इन 9 दिनों में कई तरह हर तरह की सावधानी, आपको मनोकामना पूर्ण होती है अगर आप सावधानी से ये नियम से करते हैं। और कहते हैं ना, नियम तो किसी भी चीज का कर लीजिए, आप नियम से ही पार होते हैं। तो जो व्यक्ति 9 दिनों में पवित्र नहीं रहता, उसका बुरा वक्त कभी भी खत्म नहीं होता है, हमेशा चलता रहता है। कहते हैं ना, हम बहुत परेशान है, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनका नियम नहीं है। दूसरी बात, शरीर को शुद्ध करें। हमारे शरीर में 9 छिद्र होते हैं, 2 आंख, 2 कान, नाक के 2 छिद्र होते हैं, 2 गुप्त अंग होते हैं और 1 मुंह। उक्त यानी 36 अंगों को पवित्र और शुद्ध करेंगे तो मन निर्मल होगा और छठी इंद्रिय जो जागृत करेगा। नींद में सभी इंद्रियों का छिद्र लुप्त होकर बस मन में ही जागृत रहता है। वर्ष की 36 नवरात्रियों में उपवास रखने से अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई हो जाती है, अगर आप इसमें बहुत नियम के साथ करते हैं तो। और तीसरी बात, देवियों की पहचान। यदि आपके किसी देवी की साधना पूजा करते हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि देवी की साधना या पूजा कर रहे हैं तो कौन सी देवी है, इसकी पहचान सीखे। प्रत्येक देवी को उनके वाहन, भुजा और अस्त्र शस्त्र से पहचाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ सभी के नाम से पहचानते हैं तो वैसे ही माता के वाहन और भुजाओं से पहचाना जाता है। भुजाधारी देवी दुर्गा और कात्यानी सिंह पर सवार हैं, जो माता पार्वती चंद्रघंटा और कोषमांडू शेर पर विराजमान है। शैलीपुत्री और माँ गौरी वृषभ भर काली रात्रि गधे पर और सिद्ध रात्रि कमल पर विराजमान है। इसी तरह सभी देवियों की अलग अलग सवारी है। 9 देवियों में शैलीपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कोषमांडू, स्कंद माता, कात्यानी माँ, काली रात्रि, महागौरी, सिद्ध दाती का पूजन भी विधि विधान से किया जाता है। कहते हैं
कात्यानी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें महिषासुर दामनी भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इसके अन्य रूपों की रूप हैं ब्राह्मणी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंगी, इंद्री, शिवदूती, भीमा देवी, भ्रमरी, साकंबरी आदि शक्ति और रक्तदंतिका। देवियों में त्रिदेव, नव दुर्गा, 10 महाविद्या और 64 योगिनी का समूह है। प्रमुख रूप से 8 योगिनियां हैं जिनके नाम कई प्रकार हैं: सुर, सुंदरी, योगिनी, मनोरहा योगिनी, कनकवती योगिनी, कामेश्वरी योगिनी, रति सुंदरी योगिनी, पद्मी योगिनी, नीति योगिनी और मधुवती योगिनी। इन्हें इतने नामों से कई प्रकार से पुकारते हैं। यदि शक्ति अंबिका सर्वोत्तम है, उसी के कई रूप हैं: सती, पार्वती, उमा और काली माता भगवान शंकर की पत्नियां हैं। अंबिका ने ही दुर्गा महिषासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें दुर्गा माता कहा जाता है। नव दुर्गा में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। उनके नाम हैं काली, तारा, छिंद्रमस्ता, पोषडी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और 10 कमला। मैं विस्तार से इसलिए बता रही हूँ, शायद सुनने से आप लोगों को आगे तक के लिए ज्ञान बढ़ जाता है और मैं ज्ञान ही आप लोगों को बांटी हूँ। जो छोटी छोटी चीजें, हम लोग ज्ञान से आगे बढ़ते हैं। सभी की पूजा साधना पद्धतियाँ अलग अलग होती हैं, सभी को अलग अलग भोग लगते हैं, जैसे नो लोंग भोग और औषधि, शैलीपुत्री, कुटुम्ब और हरण, ब्रह्मचारिणी दूध दही और ब्राह्मणी, चंद्रघंटा चौलाई और चंद्रशूर, कोषमांडू पेठा, चंद्रमाता श्यामक चावल और असली कात्यानी, हरी तरकारी और मोइया काली रात्रि, काली मिर्च, तुलसी और नागदौन, महागौरी, साबुदाना, तुलसी, सिद्धदाती, आंवला और शतावरी। चौथी बात, साधना के नियम। प्रत्येक नवरात्रि में अलग अलग साधनाएं की जाती हैं। साधना के पहले आपको यह तय करना होता है कि आप किस देवी की साधना करना चाहते हैं, जैसे बगलामुखी देवी, काली माता, माँ मातंगी, माँ अंबिका माता की साधना करना चाहते हैं या अन्य किसी की, तो आपको ये पहले निर्धारित करना होता है। मान्यता है कि बीज मंत्र का, श्रावण मंत्रों का जाप करें नवरात्रि में। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें नवरात्रि में। अष्टमी की रात्रि में दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक मंत्रों को विधिवत सिद्ध किया जाता है। शस्त श्लोक दुर्गा के एक पाठ का 108 बार अष्टमी की रात्रि में आप पाठ करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रों में कम से कम दोनों काल प्रातः एवं साय में 3 घंटा समय निकालकर 36 माला प्रतिदिन नियमित समय पर जाप करना चाहिए। सोच स्नान से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक प्रातः काल उपासना पूर्व मुख और संध्या काल की उपासना पश्चिम मुख होकर करनी चाहिए। जाप के समय दीपक का घी जो है जलाकर आप उसको प्रचलित रखना चाहिए। जल का एक पात्र निकट में रखें। जो साधक सावधान और एकाग्रता चेतना से उपासना करते हैं, उसको धीरे धीरे सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। यदि कोई मनोकामना की पूर्ति है तो होती है, संपूर्ण हो जाती है, कई तरह के संकट दूर हो जाते हैं। वर्ष की चारों नवरात्र में साधना करने से इसका अति उत्तम परिणाम उत्सव पैदा करने वाला होता है। अगर आप इसने नियम तप साधना से करते हैं तो आपकी कई प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और कई लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। नवरात्रि में ब्राह्मण पालन बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक समय ही भोजन ग्रहण करें। कुछ लोग होता है बार बार करते हैं, टोपी आता है कि कितनी बार हमें भोजन करना चाहिए। आपको एक बार सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। हमें सफेद नमक नहीं खाना है, हमें फलार से ही रख सकते हैं। कुछ लोग लौंग के जोड़े से रखते हैं, निर्जला भी रखते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा है, जितना आप कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार उतना करिए। बार बार खाना नहीं चाहिए, उसमें बार बार मुंह नहीं जुटालते हैं। नियम से आपको सुबह नहा धोकर निवृत्त होकर पूजा करने के बाद आपको जब नाश्ता करते हैं उस समय आपको कुछ भी चौलाई की लड्डू बना सकते हैं, आप गोले की बर्फी जमा सकते हैं या फल, दूध, मेवे कुछ भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट, लेकिन अन्न और नमक हमें नहीं खाना है। शाम के समय आपको एक नियम बना लेना, कोटू खाना, साबुदाने की आप खिचड़ी खा सकते हैं, कोटू का खा सकते हैं, गिरी का आटा खा सकते हैं, ये चीजें आप खा सकते हैं। एक समय सेंधा नमक अवश्य खाइए, बार बार नहीं खाना चाहिए। और फल को दूध लेना, उपवासक के लिए यथासंभव नमक और मीठा, चीनी, मिष्ठान आदि छोड़ दें। इसके अतिरिक्त आपको पूरा नियमित
समय तक मौन भूमि शयन चमड़े की चीजों से आपको बचना चाहिए, आपको व्रतों में चमड़े की चीजों से दूर रहना चाहिए, त्यागना चाहिए चमड़े की चीजों को, पशुओं की सवारी को त्यागना चाहिए, अपने शारीरिक सेवाएं एवं स्वयं करना चाहिए, आपको किसी भी जानवर या उसके ऊपर पशुओं के ऊपर सवारी नहीं करनी चाहिए, अपनी सुख सुविधा को यथा संभव त्याग कर उपासना में लीन होना चाहिए, आपको इस दिन किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी का अपमान नहीं करना है, खासकर छोटी बच्चियों का या बेटियों का तो बिल्कुल नहीं, अपनों से बड़ों का भी नहीं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, यही इसका सबसे बड़ा नियम है। अगर आप नियम पे ऐसा करते हैं तो आपके नियत आपका व्रत पूर्ण होता है। पांचवी बात की गुप्त नवरात्रि का महत्व, जैसे कि कहा गया है कि वर्ष में 4 नवरात्रि होती है, मैंने अभी बताया था आपको, उसमें से 2 आम जनों के लिए जैसे चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, जबकि दोनों साधकों के लिए जिससे गुप्त नवरात्रि कहते हैं आषाढ़ और पौष माह की, तो चैत माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि कहते हैं। तुलजा भवानी बड़ी माता, तो चामुंडा माता छोटी माता है। दरअसल बड़ी नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और छोटी नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। चैत्र नवरात्रि से नव वर्ष का प्रारंभ होता है, आश्विन मास शारदीय नवरात्रि से त्योहार और उत्सव का प्रारंभ हो जाता है। ये सारे त्योहार उत्सव अभी से सब शुरू हो जाएंगे। बाकी जो मैंने आपको जिक्र किया है आषाढ़ और पौष माह की गुप्त नवरात्रियों का, वो इसलिए किया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और 10 देवियों की पूजा की जाती है और वहाँ से बहुत ज़्यादा मनोच्छा पूरी होती है। विशेष क्रिया और शक्ति साधना महत्व काल से लोगों का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है, इसलिए मैंने इसमें आपको बताया कि 4 नवरात्रि होती, कुछ लोग सभी 2 नवरात्रियों को जानते हैं, इसलिए मैंने गुप्त नवरात्रों का भी इसमें जिक्र किया। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि हमें किस समय, जो लोग अपनी अखंड जोत जलाते हैं और माता की पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। उनको सात्विक खाना खाना चाहिए और हो सके तो अपने घर में लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको 9 दिन तक अगर आज पूरे नवरात्रि भी नहीं रख रहे हैं तो आपको सात्विक खाना ही खाना चाहिए घर में, और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप गलती से भी लहसुन प्याज का परे उसमें नहीं यूज करें खाने में, हो सके तो पूरी कोशिश करिए आप। और आपको अगर आप अखंड जोत जलाते हैं, पूजा व्रत करते हैं, तो आपको अपना घर कभी भी लॉक करके नहीं जाना चाहिए, आपको हमेशा अपने घर पे कोई ना कोई आपके गेट में कभी भी 9 दिन तक ताला नहीं पड़ना चाहिए। अष्टमी के दिन आपको विशेषकर कन्या पूजन के समय, जब भी आप कन्या पूजन करते हैं 8वीं या 9वीं में, सभी के यहाँ अलग अलग होता है, किसी के यहाँ 8वीं में पूजन होता है, किसी के यहाँ 9वीं में पूजन होता है, उस दिन आप 8वीं या 9वीं की पूजन में अवश्य दान करें एक चीज। वो कौन सी चीज है कि आप कोई भी वस्त्र अवश्य दान करें, या जो भी कन्याएं हैं उनको श्रृंगार का सामान अवश्य दें, उनको जो भी माता के, वो माता का रूप होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनमैरिड है, मतलब कुंवारी कन्या है तो वो श्रृंगार का सामान नहीं, वो देवी के रूप में पूजी जाती है, आप उनको देवी के रूप में पूज रहे हैं, 9 देवियां आपने अपने भाव से देवी माना और वो देवी ही होती है, तो उनको खाली हाथ कभी ना जाने दे अपने घर से। और इन 9 दिनों में जो भी आपके घर पे आता, कोई भिखारी आता, मांगने वाला आता, ब्राह्मण आता, पंडित आता, जो भी आपके दर पे आता उसे खाली हाथ ना जाने दे। गेस्ट भी आते हैं, कोई मिलने वाला आता उसको भी खाली हाथ नहीं जाने देना है आपको, या तो उनको चाय पानी पिलाकर भेजना है, या आपको कुछ उनको वस्तु देकर भेजना है, चाहे उनको दक्षिणा देनी है, A to Z आपको कुछ भी किसी भी परिस्थिति में उनको खाली हाथ नहीं जाने देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका घर धन धान्य से भरपूर रहेगा और आपके पूरे नवरात्रि माता का आशीर्वाद रहेगा, आपके घर से लक्ष्मी टिकी रहेगी, आपके घर में कभी कलेश नहीं बनेगा, प्यार बना रहेगा। तो प्लीज इस नवरात्रि अवश्य करिए, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। अगर आपको कुछ पूछना है या जानना है तो झलक दानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपकी जानकारी आपको मिलती रहे। आप भी पूजा संबंधित जो भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जय माता दी।